कोरोना संकट के ड्यूटी के बाद भी आम जन की सेवा में लगी रहती है महिला पुलिसकर्मी। घर में परिजनों के साथ बैठकर लोगों के लिए मास्क भी बनाती है। पुलिस के जवानों के साथ में आम जन को ड्यूटी के समय वितरित भी करती हैं। शहर में लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है महिला पुलिसकर्मी कृष्णा। जी हाँ, कोरोना संकट के चलते जरूरतमंदों की सेवा में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जिला पुलिस की एक ऐसी महिला पुलिसकर्मी भी है जो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी पर जाने से पहले लोगों की सेवा करती है। कोरोना संकट शुरू होने के साथ ही महिला पुलिसकर्मी कृष्णा देवी लोगों की सेवा में लग गई। लोगों को निस्वार्थ सेवा शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कृष्णा घर में अपने परिजनों के साथ मिलकर के लोगों के लिए मास्क बनाती है। इतना ही नहीं, मास्क बनाने में आने वाली लागत भी वो स्वयं खर्च करती है। कृष्णा ड्यूटी पर जाते समय अपने साथ बड़ी मात्रा में मास्क लेकर के जाती है और उन जवानों तथा लोगों को वो मास्क वितरित करती है जिन्होंने नहीं लगाया होता। कृष्णा के अनुसार वह अब तक सैकड़ों लोगों को, जिसमें वाहन चालक भी शामिल है, रेहड़ी चालक और पुलिस के वे जवान भी जो नाके पर तैनात रहते हैं लेकिन उनके पास मास्क नहीं होते, सफाई कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी वे भारी संख्या में मास्क बांट चुकी हैं। कृष्णा ने बताया कि उन्हें उनके काम में पुलिस लाइन में उनके साथ रहने वाले तथा उनके परिजन और उनके आसपास की महिलाएं उनका साथ देती हैं। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। लॉकडाउन हुआ है उस दिन से मैंने आज तक 1000 से ज़्यादा मास्क बांट दिए सभी चौकी, सभी थानों में और सभी ट्रैफिक में। जहाँ जहाँ भी हमारी पुलिस है फतेहाबाद, सभी पुलिस को मैंने और जो समाज सेवी हैं सबको मास्क दिए हैं, और जो पब्लिक है, जो ट्रक वाले हैं सभी को, रेडी वगैरह फ्रूट वाले को, सभी को मास्क दिए हैं जी मैंने आज तक। और अपनी ड्यूटी के बाद घर पर बनाती हूँ मास्क, और मेरे पति भी साथ साथ मेरी हेल्प करते हैं, और पुलिस लाइन के कुछ एक और कर्मचारियों के बच्चे और उनकी जो बीवी है वो भी मेरी हेल्प करते हैं, कभी 10-10 वो बना देते हैं। हम 100-150 हर रोज़ बना रहे हैं जी मास्क। तो पुलिस की कुछ मैं सिपाही रैंक पे हूँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा देवी, 965 है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स फतेहाबाद में तैनात हूँ जी मैं।